बेमेतरा में एक फर्जी शिक्षा कर्मी की शिकायत जिला कलेक्टर से की गई। राज्य चेतपाल वार्ड नंबर 10 दर्री पारा डबागढ़ जो कि वर्तमान में शासकीय प्राथमिक शाला सुर्खी में पदस्थ है। शिकायतकर्ता संतोष कुमार सिन्हा ने बताया कि राज्य चेतपाल के द्वारा विगत 10 वर्षों से फर्जी दस्तावेज के आधार पर शासकीय नौकरी कर रहे हैं। इनके द्वारा विभाग विकलांग प्रमाण पत्र संलग्न किए गए हैं और अन्य दस्तावेज लगाए गए हैं, वे फर्जी हैं। उक्त व्यक्ति वर्तमान में शारीरिक रूप से स्वस्थ है। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा सूचना के अधिकार के तहत सूचना अधिकारी बेमेतरा और जनपद पंचायत सिमगा में आवेदन पत्र प्रेषित कर जानकारी मांगी गई, लेकिन किसी प्रकार का दस्तावेज उपलब्ध तो नहीं कराया गया जो कि नियम विरुद्ध है। अपना कृष्ण कुमार यादव पठौती का और दूसरा रामचंद्र यादव सुर्खी का, दोनों के खिलाफ शिकायत मिली है कि फर्जी रूप से 10 वर्षों से प्रमाण पत्र लगा के नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी, और उनके खिलाफ़ बहुत सारे RTI लगाए हैं जिसमें हर विभाग से यही जानकारी मिलती है कि यहाँ कोई दस्तावेज नहीं है, बल्कि दस्तावेज मौजूद है। जैसे छिरा में लगाए हैं, पठौतिया में लगाए हैं, सब जगह यही है कि वहाँ कोई दस्तावेज नहीं है। 4 शिक्षकों के विरुद्ध फर्जी शिक्षा कर्मी होने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत को संबंधित नियुक्तिकर्ता अधिकारी और जिसने प्रमाण पत्र जारी किया है उनके पास सत्यापन के लिए भेजा जाएगा और रिपोर्ट प्राप्त होते ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पठौतिया स्कूल में इस मामला है सर, फर्जी विकलांग, यहाँ का भी फर्जी मामला है, सब जांच प्रक्रिया में है और सब के ऊपर कार्रवाई होगी। ऐसी बात मैंने संज्ञान पे लाई गई है और मैंने DO को इसमें जो फैक्ट है उसको चेक करके मुझ तक एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने निर्देशित किया।